Yo, what's up guys, welcome back to another gameplay video. तो आज के इस वीडियो में खेले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। आप सभी लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में हमने बनाया था हमारा एक विलेजर्स के लिए हाउस, और आज की इस वीडियो में हम लाएंगे विलेजर्स को। और मैं यहाँ पर इतनी ऊंचाई पे लिख रहा हूँ, ये मेरा जो फार्म है एक तरीके से AFK फार्म बन चुका है। मैं यहाँ पर आकर खड़ा रहता हूँ, नीचे चल के देखते हैं। चलिए हम लैडर से नीचे आ चुके हैं, और ये देखिए, ओ भाई ये तो पिद्दी मारेगा। चलो भाई मार दिए थे हमने, और जल्दी जल्दी हम XP कलेक्ट करते हैं। ये देखिए भाई कि हमारी XP कितनी तेज़ी से बन रही है। अरे छोटा विलेजर, अरे भाई चलो भाई इतनी, चलो भाई ये हमने काफ़ी सारी XP कलेक्ट कर ली। और अब यहाँ पे हमारे पास कितना सारा गोल्ड का सामान भी हो चुका है, फूड ले लेते हैं। और अभी रात हो चुकी है, चलिए पहले हम जाकर सो जाते हैं, और नेक्स्ट डे हम जो है विलेजर्स को लाने जाएंगे। तो फिर अभी मैं सोकर उठ चुका हूँ, और मुझे थोड़े बहुत पत्थरों की ज़रूरत भी पड़ने वाली थी। चलिए पहले पत्थर कलेक्ट करें। ये वाली नहीं, ये भी नहीं, आई थिंक ये ऊपर वाली है। ये मैं यहाँ से थोड़ी बहुत डर्ट ले लेता हूँ, क्योंकि आई थिंक बिल्ड भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और बोट तो है ही। चलिए अब हम चलते हैं विलेजर्स को लाने। लास्ट टाइम मैं जिस साइड से आया था बीच में एक विलेज था, हम वहीं से विलेजर्स को लेकर आते हैं। चलिए और अभी जो हमारी XP काफ़ी, और ये शुगर केन भी उग चुका है। हमें काफ़ी सारे क्योंकि पेपर्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि बुक बनानी होती है। और ये जो अपनी डायमंड की पिकेक्स देख पा रहे, इसकी हेल्थ कम हो चुकी है। और मैंने सुना है एक मेंडिंग नाम की एंटेंटमेंट आती है, उस एंटेंटमेंट को लगाने के बाद जो हमारी पिकेक्स है उसको खाली हमारे XP से बढ़ा सकते। पहले चलिए हम विलेजर्स को लेकर आते हैं। ये चले तो हैं, सॉरी फॉर द लैग, यहाँ पर सुधर के नहीं। ये भी तोड़ के हम जाके अपने कार्सल में लगा लेंगे। लैग हो गई है। चलिए पहले हम चलते हैं थोड़ा और आगे, जहाँ तक मुझे पता है कि इसी साइड में गई है वो विलेज। इसीलिए सोचो धीरे क्यों चल रहा है हमारा प्लेयर। हम और जल्दी चलेंगे, और ये लीड ने वो ट्रेडर्स को मार के ले ली थी। भाई भाई ये बॉय काफी पावरफुल है, मतलब कि क्या ही कर सकते हैं। शुगर केन चलो एक कलेक्ट कर लेते हैं। मेरे एक ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म भी बहुत कुछ होता है, वो आगे बनाएंगे। चल ये मैं आ चुका हूँ एक विलेज में। ओ यहाँ पर तो काफ़ी सारे विलेज है, आई थिंक ये बोर्ड पे बैठ जाने चाहिए। सॉरी फॉर द लैग। देखो यहाँ पर तो दो विलेजर चाहिए सिंपली मुझे बस, बाकी के तो हो जाएगा। चलिए मैं इसको यार, बैठ गया। हाँ चलो भाई, चलो इसे भी हमें बैठाना है, बैठ जा। गोलम ने तो नहीं दिख रहा भाई, मारेगा देखेगा तो। मैं ट्रेड नहीं करने थे मुझे, ये जो बोट है मुझे इसे खींच कर ले जाना होगा अपने कार साल तक। तो चलिए, अरे वाह भाई मैं आया इस तरफ से था, मैं आया किस तरफ से था, मैं इसी तरफ से आया था। चलिए मैं इसको खींचता हूँ भाई, एकदम से तो ना आगे।
चलो भाई पहले हम थोड़ा बहुत आगे चल लेते हैं। चलो 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 दोनों वाले टूट गए हमारी, इनको ले जाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। चलिए मैं थोड़ा आगे मिल, तो फिर जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि मैं इसे खींच कर यहाँ ला चुका हूँ। और ट्रेड नहीं, इसको मैं क्लिक, ये जो है मैंने एक छोटा सा ब्रिज टाइप बना लिया, इनको ले जाना। ले चलते हैं इन्हें खींच कर, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ऐसे ले जाना। दो भी चले गए तो काफ़ी है हमारे विलेज के लिए। अच्छा तो तोड़ना पड़ेगा, चलिए जल्दी जल्दी हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं। अच्छा एक और तोड़ना पड़ेगा लेन, अरे भाई कितना ज़्यादा। चलिए मैं थोड़ा और आगे ले आकर फिर मिलता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं मैंने खींच के थोड़ा और आगे ला चुका हूँ, इन्हें भी थोड़ा और आगे ले जाना है मुझे। यहाँ पे ये लगा देता हूँ, नीचे भी पूरा तोड़ना पड़ेगा भाई। अरे अभी भी कहाँ अटक रहा है, तो अभी आगे आ जा, मुझे यहाँ से तोड़ना पड़ेगा फिर से। चलिए मैं यहाँ से थोड़ा और आगे तोड़ता हूँ। वाकई में मेरी इन्वेंटरी में दूर है, हमारा कार्सल अब हमें आगे दिखने लग गया है, हमारा मॉब फार्म हमें दिख रहा है। मैं इसको और आगे खींचता हूँ, भाई बात बात पर ट्रेड करने का क्या मतलब है इनका। अच्छा तो ये वाला अटक रहेगा, चलो भाई इन्हें खींचते होंगे। फिर से टूट गई, चलिए मैं इसको थोड़ा और आगे ले आके फिर मिलता हूँ आपसे। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे कि मैं यहाँ पहुँची, लास्ट टाइम रात हो गई थी, मैं जाकर सोकर आ गया था। अभी इन्हें थोड़ा और आगे ले जाना, इनको मैं डायरेक्ट विले इनके हॉल में लेने जाने वाला हूँ। पर नहीं, इसी तरीके से मुझे नहीं खींच कर भी, ये जो है इनको बस मैं थोड़ा और, अरे फिर से टूट गई। चलो भाई चलिए मैं इनको खींचता हूँ, आ क्यों नहीं रहे। चलिए मैं इनको थोड़ा और आगे करता हूँ, फिर से नहीं, क्रीपर भाई
इसलिए मैंने धक्का देकर वहां तक ले चलता हूँ पहले। मेरी गेम भी लैग हो रही है अभी थोड़ी बहुत। और चलो भाई हम उसको थोड़ा और आगे तक ले ला चुके हैं। एक बार फिर से टूट गई, इसलिए मैं इनको ले जाकर मिलता हूँ आपसे। मिलता है क्या? चलो हम पहुँच ही गए, पहले पूरा पहुँचा देते हैं वो। चलो अब यहाँ से मैं दीवार को तोड़ देता हूँ अभी। ये अब हमारे का इनको पहले मैं अंदर ले चलता हूँ पूरा। चलिए पहले मैं जाकर अपनी वॉल ठीक कर देता हूँ, नहीं फिर से कोई क्रीपर ऊपर आकर फट जाएगा और हमारे विलेजर्स मारे जाएंगे। ज़्यादा हमारी ज़्यादा डट की यूज नहीं हुई अभी, इन्हें मुझे वहाँ ले जाना पड़ेगा। चलिए मैंने जल्दी जल्दी से खींच, अरे इन्हें खींच कर ले जाना बहुत मुश्किल है। चलिए इनको बस थोड़ी दूरी और रह गई है। चलो चलो जल्दी जल्दी इनको मैं ऊपर, अरे फिर से रह गया। इन पे इनके एरिया में ले आए। चलो आ जाओ, अरे आ जाओ ऊपर। फिर मैं इनको पूरा पहुँचा कर फिर मिलता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं इन्हें अपने यहाँ पर ला चुका हूँ। अब मुझे इन्हें देनी है जॉब्स। जॉब्स के पास आई थिंक मेरे पास कुछ पड़ा होगा। तो इधर से पहले मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ, तो ये लोग जो है ना मेरे बाहर चले जाएंगे। चलिए और अभी हमें थोड़ा बहुत चीज़ें, मेरे पास जो जो चीज़ पड़ी मैं उन्हीं में से कुछ तोड़ कर दे देता हूँ इन्हें। देखना पड़ेगा कि क्या क्या है इस समय। और अभी इन्हें मैं पोटैटो दूंगा कि जिससे हम इनकी ब्रीड करा सकते हैं। मैं जल्द से तोड़ के कलेक्ट कर लेता हूँ, ये आई थिंक फार्मर के काम होते हैं। और नीचे जो है हमारे पास थोड़ा बहुत, अरे नीचे मैं यहाँ से जो है अपना ये तोड़ लेता हूँ, इसे भी दे देंगे हम उनको काम करने के लिए। और ये भी तोड़ लेते हैं। चलिए अभी मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, चलिए पहले मैं इन्हें देकर आता हूँ। एक तो पता नहीं वहाँ पर ज़ॉम्बी की आवाज़ क्यों होती है, मुझे वहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मैं पोटैटो भी लेता जाऊँगा साथ में। पोटैटो फार्म में चलते हैं। पोटैटो भी जो हमारे पास टोटल तीन तरह के फार्म हैं, चार, ये तीनों और एक एनिमल फार्म। मुझे यहाँ पर इसे कलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर भी हमारे थोड़े बहुत पोटैटो लग पड़े, हम वो भी निकाल लेंगे। और अभी हम यहाँ पर हमारे पास 62 पोटैटो अमेजिंग, इसको वापस से लगा देते क्योंकि हमें नहीं दोबारा से और भी पोटैटो की ज़रूरत पड़ेगी। फार्मिंग करना है, चलिए 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 चलिए। अभी हमारे पास आई थिंक 36 इनफ होंगे। अब जाते हैं हम उन्हें उनकी जॉब देते हैं और पोटैटो देते हैं।
ये हम आ चुके हैं हमारा सवल, ये सॉरी फॉर द लैग, क्योंकि हमारे विलेजर्स के आने पे कैट्स भी होती हो। चलिए मैं इनको यहाँ पर मैं इनका काम देने वाली चीज़ें रख देता हूँ, मैं इनका जो एक वर्किंग साइड है इधर बनाऊँ, ये इधर रख देता हूँ और ये इधर। चलो और अब मैं इन्हें जाकर ऑटो दे देता हूँ काफ़ी सारे, आई थिंक इतने ब्रेड, ब्रेड भी आई थिंक लेते होंगे, चलो दे देते हैं। मैंने तो नहीं उठा भाई, सारा उठा लिया इसने। आई थिंक ये बाद में वेट करेंगे। देखो भाई ये देखो, ये आ गए, अभी यहाँ पर आने वाला एक छोटा सा विलेजर रहेगा आई थिंक। ये म्याऊं, एक कैट, कैट्स भी हैं, कैट को कैसे टीम करते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई थिंक फिश से टीम करते, ये देखिए भाई। और ये हमारा आ चुका है यहाँ पे एक और विलेजर, वो यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओ तेरी की भाई, मैंने मार दिया इसे। कोई बात नहीं, अभी मेरे पास भी दो विलेजर, मैं भी यहीं पर सो जाता हूँ। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।